वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो जस्ट आज जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो जस्ट अभी बज रहा है सुबह के 8 और मैं अभी दुकान से काम वाम करके जस्ट आ गया हूँ। और ये काजल खड़ी है और जस्ट अभी मैं मतलब अभी दुकान से जस्ट आया हूँ। तो चलो चलते हैं छत में, ये लोग बात कर रहे हैं, तो जस्ट अपन चलते हैं। फिर अपन मतलब तबीयत जो थी ना मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि खांसी आती थी ना तो नाक से पानी और अचानक से सीना दर्द करने लगता था मेरा, मतलब बहुत तेज एकदम से, मतलब कुछ मत जल्दी से। रात में ऐसा हुआ ना, मैं सीधे बिस्तर से उठ के सीधे छत में आ गया, तो छत में जब आया ना थोड़ा मुंह से सांस लिया, नाक से लिया, तो उल्टी तप्पर भी हो गई थी रात में। और पता नहीं कहाँ है खांसी आ रही ना, तो मतलब बहुत सीना दर्द कर रहा है। और आज जो है दुख भी हो गया है सुबह सुबह, अभी हमको पता चला अभी 7 बजे जो हमारे जीजा जी हैं कटनी वाले हेमू दीदी के पति, उनका जो है थोड़ा ख़त्म हो गए हैं। तो मम्मी और पापा जा रहे हैं, तो मेरी तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं पापा लोग अभी जा रहे हैं पता नहीं किससे, तो देखते हैं क्या ही सीन होगा। और जस्ट अभी मैं अभी दुकान में रहा, वैसे नहीं उठ रहा था, 7:30 बजे होटल खुली है, और फिर जस्ट मैं अभी दुकान में रहा, थोड़ा बहुत सामान वामान बनाया, फिर मैं बोला ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, नो गैप देना है। तो जस्ट अभी मम्मी लोग जाएंगी और जस्ट अभी दुकान में वो लोग सामान मत बना दिया हूँ, मटर खटाई सब मसाला, और जस्ट अभी पापा बनाएंगे रसगुल्ला जुल्ला। तो जस्ट अभी जो मौसम है ना, मौसम दिखा देता हूँ आप लोग को। तो गाइस प्लीज़ ब्लॉग को स्किप मत करना यार, अभी जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, इसी घर का प्रॉब्लम भी है और थोड़ा आज दिक्कत भी बहुत बड़ी हो गई है। देख रहे हैं मौसी जी जो बेचारे दीदी थी, अब उनका क्या होगा, चलो ठीक है। और जस्ट अभी सुबह का मौसम भी ठीक ठाक हो रहा, तो इग्नोर करना तुम्हारा भाई पता नहीं तबीयत से का हवाल हो गया, देखो ना आँख मोटी मोटी हो गई है, पीली हो गई है और पूरा शरीर अंदर घुस गया, सीना होना ये हड्डा दिखने लगा, बहुत उल्टी हुई है। और ब्रश करता हूँ ना तो पूरा मुंह से पानी आता है। डॉक्टर के यहाँ नहीं गया, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ मेरे गोली दवाई सूट नहीं करती, एक तो कभी बीमार होता नहीं हूँ और होता हूँ तो दवाई गोली भी सूट नहीं करती है। तो जस्ट अभी का सीन यही है, तो अभी मैं चलता हूँ नीचे। और मौसम तो आप लोग देख रहे हो एकदम बदल बदल वाला किया है, कल तो बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, तो जस्ट अभी चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं क्या कैसा होता है, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। सो गाइस अभी महक जो अपना काम कर रही है, झाड़ू वाड़ू लगा रही है और ये चली गई अब। और जो काजल जो है ट्यूशन जाएगी अभी, जस्ट जाएगी पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता गाइस, नहीं जा रही ट्यूशन, फालतू 6,000-8,000 महीना में खर्च कराती है और ये रोटी सेक रही है ऊपर से जूता पहन के। सो अभी जस्ट काजल खाना बना रही है, और खाना में क्या बना रही है काजल बता दे थोड़ा, बन गया वो सब्जी कहाँ पास बता तो दो। सो गाइस आप लोग को दिखाते हैं, तो अभी बनी है का ये पता नहीं का एक सब्जी है, ये देखो तो सब्जी बन गई है। और जस्ट हालत देख के तो समझ में आता होगा ना मेरी क्या ही तबीयत खराब है कसम से। और ये काजल खड़ी हुई है, काल कुछ बोल दे, तो रोटी सेक रही हूं वहाँ, तो ये भगा रही है इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो चैनल को, तो कि बड़ा आदमी बने और फिर पूरा भारत घूमे और ऐसे गरीबों की मदद करें। तो ठीक है फिर अभी मैं थोड़ा देखते हैं क्या सीन होता है, उसके बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी मैं कॉलेज से आ गया हूँ और रात हो रही है और मेरी खाना बन रहा है अभी, और मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब गला दर्द कर रहा है, मतलब सर्दी जुकाम और भीग भी गया हूँ, देखो बाल कितना ज़्यादा गीला हो गया और गला बहुत टाइट टाइट लग रहा है, तो मैं पता नहीं कैसे कैसे करके आ गया हूँ और ये खाना बन रहा है मेरे लिए। और मम्मी है, ये मम्मी मुँह दिखा दे, दिखा दे हमें मुँह, हमें ब्लॉग आए फिल्म थोड़ी ना बन रही है। और ये काजल बैठी है, ये तो नाम और फेम चाहती है, तो काल कुछ बोल दो, कुछ नहीं बोलना, मैं तो गोरी हूँ ना, गोरी नहीं है, मैं दो फोन रखा हूँ, एक तो मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और एक तो गोरा करने के लिए फ्लैश चालू किया हूँ, अभी जस्ट ना लाइट आया गई है, लाइट गोल रही है इसीलिए जस्ट मैं फ्लैश चालू किया हूँ। और अभी जस्ट खाना बन रहा और बहुत ज़्यादा गला जो है ना
सुबह से ही ऐसा तला। दिखा रहा हूँ धीरे धीरे से, तो जस्ट पहले बता दूँ ना, तो मेरा गला बहुत वो हो रहा था, तो अभी मैं हल्दी वाला थोड़ी दूध पिया हूँ तो बोल रहा हूँ, तो लाइट गोल हुई, तो मैं सोचा थोड़ी ब्लॉगिंग करता हूँ तो जस्ट लाइट भी आ गई, तो हो गया चलता है। और ये अपना बन रहा है तला चावल, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये मम्मी बना रही है, तो मम्मी मुना दिखाएगी मम्मी मुना दिखाएगी, मम्मी ब्लॉग नहीं बनाने देती है। और ये काजल बैठी है, तो काजल कुछ बोल दो, लाइक करो फॉलो करो। गाइस मेरे को सर्दी है, जिसको घी चाहिए होगा तो बताना। घिनी ही लड़की है, इसको अगले बार से ब्लॉग में नहीं लाएंगे, इसीलिए मैं नहीं लाता, ये लोग गधे ही लोग हैं। अब बोलती हैं ब्लॉग ना बनाओ, ये लोग खुद है गधे हैं। मम्मी तो कुछ बोलना चाहोगे, बोलते ना लाइक करो फॉलो करो, क्या नहीं बोलते हैं तो नहीं करें इन लोग लाइक और फॉलो। आप लोग को दिखाता हूँ पहले कैसे बनता है तला चावल, तो मम्मी बना रही है तो दिखाता हूँ ये लोग। सो गाइस ये काजल बैठी है और ये छील रही है सब्जी के लिए लहसुन, ये टमाटर रखा है, चावल है, करेला की सब्जी खाएंगे। और ये तल रहा तुम्हारे भाई के लिए तला चावल, देखो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और ये मम्मी है जो कि तल रही है, तमुना दिखाएगी, लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो, तमु दिखाएगी। और कुछ इस प्रकार का है, अभी शाम का सीन हो रहा है, रात के बज रहे हैं 7, अभी आसमान नीला नीला दिख रहा है, तो जस्ट बन रहा है तला चावल। ये है करेला और काजल बना रही है। सो गाइस मम्मी बता कैसे कैसे तला चावल बनाया जाता है। अरे बता दे, देखा ना कुछ चीज इंसान से बनने लगती है ना तो घमंड आ जाता है, तो मम्मी नहीं बताएगी कैसे बनाइए, देखो टेस्टी है। इसीलिए जैसे यूट्यूबर लोग अपनी पेमेंट नहीं बताते, वैसे तला चावल बनने के बाद मम्मी वो नहीं बताती का राज, क्योंकि ये वो पैसा यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है और राज चावल के खिलाफ है। तो ये बात समझ में आई हो तो लाइक करना फॉलो करना। और जस्ट तला चावल तो बन ही रहा है, एकदम कार प्रगति पर है। और देखो इतना ढीला होने के बाद भी मैं इतना गोरा लग रहा हूँ, तो इसके लिए भी लाइक और फॉलो जरूर से कर लेना। और काजल यहाँ बैठ के बस मंद मंद मुस्कुरा रही है। काजल क्या बोलोगी, तुम्हारी सहेली लोग रिंकी पिंकी चिंकी मिंकी देखती होंगी तो क्या बोलना चाहती हो? सालों मुझे देखना, वो लोग बोलते हैं कि जिसे मैं रहती हूँ उसमें ज़्यादा व्यूज आते हैं और जिसे बेकार उसे रहते उसमें कम व्यूज आते हैं, क्यों ऐसे? अम्मा जवाब कैसे दो? राजा हमेशा अकेला रहता है ना, पर उसके प्यार करने वाले, उसकी जनता बोल लो, उसके फॉलोवर बोल लो, सब कितने सारे होते, पर राजा तो सिर्फ एक होता है ना, तो सभी के दिल पे राज करने वाला, बेशक राजा नाम नहीं है पर आप सबके दिल में राज तो करता हूँ। तो गाइस अंधेला तो इग्नोर करना, यहाँ पे धुल रही है अपनी थाली, ये बर्तन यहाँ पे मेरा खाने के लिए ये धुला जा रहा है जल्दी से, और इस साइड रखा है थाली ये है ना, और ये धुला जा रहा है। और फिर जस्ट मेरे को जाके यहाँ नीचे बैठूँगा मैं, और फिर मेरे लिए तला चावल आएगा, ये लग गया है। काजल अपना काम करते हुए ये भट्टा में खाना बना रही है, इतने बड़े भट्टा में। और ये मम्मी आ गई है थाली वाली लेके, तब जस्ट मटका से पानी निकालेगी जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब वहाँ पे रख दिया जाएगा ऊपर, क्योंकि मैं नीचे बैठता हूँ। दोस्तों जस्ट अभी थाली लग रही है अपनी, ये देखो थाली लगना स्टार्ट हो गई, तो जस्ट देखते हैं कैसा टेस्ट वेस्ट रहता है। इसे टेस्ट आज ना मिलेगा क्योंकि जो मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा गड़ रहा हो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, खराश और आज है ना, तो टेस्ट तो इसे ना मिलेगा। दाल और ले लेते हैं, फेरी का चीज़ सब खाना चाहिए दोस्तों, आप लोग भी ऐसे खाते रहो। तो मैं आप लोग को तला चावल दिखा देता हूँ फाइनली, तो ये अपना तला चावल है, तो मैं इसको खाता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। अभी काजल अभी बस वही जस्ट अपना काम कर रही है वहाँ पे, सब लोग अपना अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम जल्दी से निपटा लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ, ठीक है। दोस्तों फाइनली मैं खा चुका हूँ और हाँ मैं फाइनली खा चुका हूँ और अच्छा बना रहा होगा, पर मेरे को एक भी टेस्ट नहीं मिला, और मैं कम ही खाया हूँ, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि गला में पता नहीं क्या है, बैठे रहता तो और दिक्कत, सर्द गर्म सर्दी जुकाम तो ये लोग बोल रहे हैं। तो काजल अपनी सब्जी बना रही है, तो हो गया, मम्मी बाहर दुकान में चली गई है, और यहाँ अपना ये टमाटर रखा है, ये काजल अपना सब्जी वब्जी बनाएगी, तो कुछ बोलोगी काजल? मैं सब्जी बना रही हूँ, क्या बोलूँगी? तो काजल सब्जी बना रही है और अपना पता नहीं फ्लैश लाइट कहाँ जा रहा है, उठपटांगे हो रहा है,
और देखते हैं, दिखाता हूँ आप लोग को काजल का एक सब्जी बना रही है। ये भी सस्पेंस में रहे तो बना रही है करेला की सब्जी। आप देख सकते हैं कैसी है, खा के मैं बताऊंगी आप लोग को। वैसे तो फायदेमंद होती है, लेकिन जो चीज फायदेमंद होती है वो कड़ी भी। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन, अभी मेरे को बाजार भी जाना पड़ेगा। मैं डेली दुकान का सामान लेने के लिए बाजार जाता हूँ, डेली डेली आता हूँ। हम लोग के यहाँ इकट्ठा नहीं आके रहता है। हाँ, तो हाँ, और जब खाता हूँ इतना रेस्ट करता हूँ, जाना चाहूँगा करता हूँ। तो देख सकते हो ऐसी तबीयत खराब है, अपनी तबीयत खराब है, दूसरे की अगर होती तो ये तबीयत खराब है। तो दोस्तों काजल बहुत दुखी है, देखो रो रही है तबीयत को लेके। नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। नाक भी बह रही है इसकी। तो आई होप तो वही चीज है गाइस। तो गाइस सीन ये है कि मैं अभी एक दवाई लाया हूँ, ये है, ठीक है। तो डॉक्टर बोल रहा था कि सीने का दर्द है, तो होले होले थोड़ा रहना और आराम करना अच्छा। तो काजल से बोलते हैं, अहम रहा सबूत में, है ना। अहम डॉक्टर बोला है, कहा बोला है, कह रहा था कि सूखी खांसी है, कफ जमा होगा और सीने में जलन हो रही होगी और पेट में दर्द होता होगा। और क्या करने को बोला है? तो ये दवाई 2 चम्मच पीना है सुबह 3 टाइम। ले अहम खाना खा। और सब ठीक है। और एक काजल बैठी हुई है। और मेरी हालत तो हो गई है ख़राब, देखो आँख ही लाल है, ये देखो बहुत लाल है, और सीना में जलन है और पेट में दर्द है और खांसी बहुत आती है। और जस्ट अभी ये आया है, तो अभी ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और जो है मैं एक ब्लॉग कल बनाया था तो उसको इसमें जोड़ दूंगा। अभी मम्मी लोग जो हैं वहीं गई हैं, तो अभी आएंगी 11-12 बजे रात को। तो मैं जो कल ब्लॉग की एक क्लिप बची है तो मैं इसको इसके बाद से कंटिन्यू कर देता हूं। तो ठीक है, अभी मैं जस्ट खाना खाता हूं, फिर दवा पीता हूं। यहीं तक ब्लॉग रखते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना। और नहीं है, मैं हूँ, क्यों हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो अभी तबीयत खराब है गाइस, इसीलिए इतना दिक्कत हो रहा है। और अपने वीडियो पर ये ब्लॉग डालने के बाद 98वां ब्लॉग रहेगा, उसके बाद 100 ब्लॉग पे एक सरप्राइज है जो आप लोग को दिया जाएगा सभी को। और जो कोई अभी तक अपने फैमिली में जुड़ गया है यूट्यूब फैमिली में, तो अच्छी बात है, उनको सरप्राइज़ पता चल जाएगा। और जो कोई नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया हिस्सा बनो। डेली ऐसी वीडियो आते रहेंगी, डेली कुछ नया ब्लॉग, अच्छा सा ब्लॉग आता रहेगा। और मैं रोज़ रोज़ दिखता रहूँगा, जहाँ रास्ते बंद होते हैं असली शुरुआत वहीं से होती है। मन में अभी नहीं है ब्लॉग का बनाना का, पर यही रास्ता है, यहीं से बनना है। तो तभी तो 0 से करोड़पति का सफ़र सुनाऊंगा। तो देखो सब लोग बाद में सक्सेस होने के बाद बताते हैं कि पहले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर मैं पहले बता देता हूँ कि भाई करोड़पति बनना है। मान लो नहीं बने, कोई अभी कल का नहीं देखा ही है, आप भविष्य का देखें। मान लो अगर नहीं बने तो कम से कम ये रहेगा कि बोले रहे, है ना, उतना दुख नहीं होगा। तो ठीक है, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।